बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं कि किसी इंसान के साथ कुछ बुरा हो गया या किसी इंसान के साथ बहुत बुरा हो गया। जैसे बहुत बुरा हुआ कि आप फेल हो गए, बहुत बुरा हुआ कि वह हिम्मत हार गया, बहुत बुरा हुआ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बुरा हुआ कि आपने मेरे वीडियो को डिसलाइक किया। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे इट इज टू बैड दैट, यानी बहुत बुरा हुआ कि, जैसे बहुत बुरा हुआ कि वो अपना फोन तोड़ दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज टू बैड दैट ही ब्रोक हिज फोन, बहुत बुरा हुआ कि आपने मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दिया, इट इज टू बैड दैट यू डिसलाइक्ड माय वीडियो, बहुत बुरा हुआ कि आप फेल हो गए, इट इज टू बैड दैट यू फेल्ड, बहुत बुरा हुआ कि उसका नौकरी चला गया, इट इज टू बैड दैट ही लॉस्ट हिज जॉब, बहुत बुरा हुआ कि उसने उसको धोखा दिया, इट इज टू बैड दैट ही चीटेड हर, यानी बहुत बुरा हुआ कि उसने उसको धोखा दिया, बहुत बुरा हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया, इट इज टू बैड दैट ही कमिटेड सुसाइड, बहुत बुरा हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया, इट इज टू बैड दैट यू रिजाइंड, बहुत बुरा हुआ कि वह चली गई, इट इज टू बैड दैट ही वेंट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप शानदार तरीके से बोलेंगे जहाँ आपको कहना हो बहुत बुरा हुआ कि। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।